दोस्तों, पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें आसमानों पर बातें कर रही थीं। हुकूमत ने हालिया बजट के दौरान गाड़ियों की कीमत में कमी की तो सार्फीन के चेहरों पर खुशी के आसार भी नमूदार हुए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के हालिया बजट के अंदर कौन कौन सी गाड़ियों की कीमत में कमी हुई और कितनी कमी हुई। इसलिए हमारी आज की यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल दिलचस्प मालूमात सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हुकूमत ने बजट के अंदर 850 सीसी से नीचे वाली सभी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी। याद रहे कि 850 सीसी से नीचे वाली गाड़ियां जो सिर्फ पाकिस्तान में तैयार होती हैं, इन्हीं गाड़ियों की कीमतों में कमी की गई। इसके अलावा बाहर या जापान से आने वाली गाड़ियों की कीमतों में कोई भी कमी नहीं हुई। आमतौर पर पाकिस्तान में 850 सीसी से नीचे वाली गाड़ियाँ तीन किस्म की हैं। इनमें से पहले नंबर पर जो गाड़ी सबसे ज्यादा सेल होती है वो सुजुकी की आल्टो है। इसके अलावा दूसरा नंबर यूनाइटेड की ब्रेवो का आता है, जबकि तीसरे नंबर पर प्रिंस की पर्ल गाड़ी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेल होने वाली गाड़ी सुजुकी की आल्टो है। अगर हम सुजुकी आल्टो के बारे में बात करें तो पहले सुजुकी की आल्टो AGS यानी ऑटो मॉडल की इनवॉइस 16,40,500 रुपए होती थी। इसमें आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी FED 2.5% पड़ता था, यानी आपको पहले सुजुकी की ऑटो गाड़ी खरीदने के लिए 34,042 रुपए FED के मद में अदा करना पड़ते थे। हुकूमत ने इस बजट के अंदर FED मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। पहले नंबर पर तो आपको 34,042 रुपए की कमी सिर्फ FED की मद में होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सेल्स टैक्स 17% आयद है। इससे पहले सुजुकी ऑटो की नवाइस के अंदर सेल्स टैक्स 17% 2,37,274 रुपए होता था। हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी करके इसे 17 की बजाय 12.5% कर दिया। यूं तकरीबन 5% की सेल्स टैक्स में कमी के बायस अब आपको सेल्स टैक्स 5% की कमी के साथ 1,74,466 रुपए अदा करना होंगे। यहीं आपको सेल्स टैक्स के अंदर 62,808 रुपए की बचत होगी। गोया आपको गाड़ियां खरीदते वक्त पहले नंबर तो FED के मद में 0 रुपए अदा करना होंगे। इसके अलावा सेल्स टैक्स के अंदर भी 5% की कमी होगी। अगर सुजुकी ऑटो की बात की जाए तो आपको FED के मद में 34,042 रुपए जबकि सेल्स टैक्स के मद में 62,800 रुपए की बचत होगी। यूं मजमूई तौर पर आपको 96,808 रुपए की कमी के साथ सुजुकी की आल्टो गाड़ी मिल जाएगी। पहले आपको सुजुकी आल्टो ऑटोमेट खरीदने के लिए 16,40,500 रुपए अदा करना पड़ते थे, मगर अब नए टैक्स की वजह से अब 15,43,692 रुपए में आपको यही गाड़ी मिलेगी। यूं मजमूई तौर पर 96,808 रुपए की सस्ती गाड़ी पाकिस्तान में दस्तयाब होगी। उम्मीद है दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब तक के लिए दिलचस्प मालूमात चैनल में इतना ही। बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।